बढ़ते हैं। हमारे साथ अब केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते 31 जुलाई को मैं छुट्टी पर था, लेकिन सुशील केडिया जी चैनल पर आए थे और उन्होंने कहा था कि 25,500 पे आने से पहले निफ्टी एक बार 24,000 का लेवल दिखाएगा, और देखिए आज उनके आने से पहले पहले कल 23,900 भी हिट हो गया। तो एक बार पहले वो सुनते हैं बाइट जरा। निफ्टी हमने अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया है, वही आपको बताएंगे। 25,500 तक जाएगी, पर उसके पहले 24,100 आने का, 24,000 भी आने का भय है। अच्छा सुशील जी, वैसे इस चैनल के सबसे मतलब अच्छे दोस्त हैं, और जो अपना बेस्ट व्यू है ना वो इसी चैनल के लिए रिजर्व रखते हैं, तो अगर आपको सुशील जी का व्यू सुनना है तो इसी चैनल पर सुनना चाहिए। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। कैसे कर लेते हैं आप ये, क्या क्या च्यवनप्राश खाकर वो बाइट वो उस समय व्यू दिया था पिछले हफ्ते, एक ही हफ्ते में आ गया वो? देखो अनुज, दो बातें हैं। लॉन्ग टर्म में तो बड़ा सिंपल है, मैं आज आपको अपना सीक्रेट शेयर कर देता हूँ, और ये मेरे गुरुओं ने सिखाया मुझे, बहुत मेहनत करके मुझे सिखाया, मैं मानने को तैयार नहीं था। मैं हर वक्त अपनी हर सांस में भगवान का नाम याद रखता हूँ, इससे मुझे मेरे अहंकार को पिघलाने में मदद मिलती है, और जिसका अहंकार कम हो जाएगा उसको डर नहीं लगेगा, उसको लोभ नहीं होगा, तो उस वक्त फिर चार्ट बात करती है, मैं बात नहीं करता हूं। तो जो चार्ट कहती है वही मैं कर लेता हूं, वही कह देता हूं। और इंटेलिजेंस सबके पास है, पर ये लोगों की ईगो जो मिक्स हो जाती है ना, उनके इंटेलेक्ट को काम नहीं करने देती। और दूसरी बात अनुज, ये भी एक पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर बन गया, जब अनुज सिंगल छुट्टी पे जाए बाजार को ठोक दो, और जिस दिन वो आए उसके पहले एक दिन बाजार को ले लो। अरे अब कल किसी ने ट्विटर पे लिख दिया, हमने ट्वीट डाला था, कल किसी ने लिख दिया इसमें बुरी तरह रॉन्ग हो जाओगे, यार लाइफ से तो रॉन्ग किसी भी चीज में हो सकते हैं, 90% चांस है, 100 किसी चीज का नहीं है, पर अनुज सिंगल जब भी छुट्टी पे जाता है बाजार को ठोक दो, 10 में से 9 बार ये बात राइट होती है। नहीं नहीं सुशील जी, देखिए मेरे को आप प्लीज़ एक धरती पर ही रहने दीजिए, वही ठीक रहेगा मेरे लिए। अच्छा, अब आपका व्यू तो सही निकला कि 24,000 एक बार आएगा, 24,100, अब क्या वापस ऑल टाइम हाई पर जा रहा है मार्केट? देखिए, अब जब तक कोई नए पैटर्न्स नहीं मिलते हैं तो जो पैटर्न काम कर रहा है फिर उसके साथ होशियारी नहीं करनी है। ये देखिए सिंपल है एनालिसिस, मैं इसको अगर ये जो रीबाउंड कल से शुरू हो गया, और हमने कल ट्विटर पे डाल दिया था, हमारे सारे क्लाइंट शॉर्ट थे, सबने शॉर्ट काट ली, सबने दबा के लॉन्ग कर लिया, और ट्विटर पे हमने लिख दिया था ये, तो देखिए ये अप ट्रेंड लाइन जो है ये येलो वाली अप ट्रेंड, पीसीआर से अनुरोध है कृपया चार्ट दिखाएं, विश्लेषण करने वालों को विश्लेषण देना चाहिए, ओपिनियंस एडिटर का होता है, तो मैं तो अपनी एनालिसिस दिखाना चाहूंगा। अगर अगर पीसीआर कृपया इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं तो देखिए ये जो अप ट्रेंड लाइन टूट गया निफ्टी का, ये एक तरह का टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न है, और अब ये रीबाउंड होके खाली इसकी सपोर्ट लाइन को भी रीटेस्ट करेगा तो हम एक नया हाई तक, माफ कीजिएगा, पहुंच सकते हैं। तो मैं इस 25,300-400 की जो भी रिबाउंड आएगी, मैं इसको कहता हूं घटोत्कच अब वापस एक आखिरी बार आसमान में उड़ेगा, और 25,500 जाने के बाद पहला पड़ाव 21,000 तक हो सकता है, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, और अब पूरे ग्लोबल मार्केट्स के जो रंगढंग बन गए हैं तो अब ये बात हास्यास्पद नहीं लगेगी, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक नया हाई जो निफ्टी पे भी आएगा बड़ा सिलेक्टिव होगा, और बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मजेदार असमंजस बना हुआ है, अगर मैं आपको चार्ट लगे हाथ दिखा पाऊं। देखिए बैंक निफ्टी ने ये डिक्लाइनिंग ट्रायंगुलर जो पैटर्न बनाया है, चांसेस ये कि शायद ये 52,000 के ऊपर न जाए, ऐसा इस वक्त भय लगता है, पर अभी 52 के ऊपर ये निकल गया तो फिर हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार 55,000 की चाल दिखा। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक और चीज इस पूरे आई थिंक बीते दो हफ्ते में हुई, वो ये था क्रूड का कूल ऑफ, और उसको एक स्पेस ने हाथों हाथ लिया, मतलब हालांकि अभी मैं कुछ और सवाल पूछता लेकिन पहले मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, आपको याद होगा लास्ट वीक हम एशियन पेंट्स से बात कर रहे थे, क्रूड पे आपका व्यू, और ऐसे में एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, इंडिगो, कंसाइनर ब्लैक, बजर पेंट्स, इस थीम पे आप क्या कर रहे हैं? दो बातें हैं देखिए वीरेंद्र, आपने इसमें एक्चुअली तीन सवाल एक साथ पूछ लिए। अगर क्रूड की चार्ट सामने दिख रही है तो क्रूड में अब हमें एक बार वापस 84 का रिबाउंड दिखता है, 84 तक कब इस पीसीआर से कहिए चार्ट दिखाए, बड़ी घातक चार्ट क्रूड में बन रही है, बहुत ही, मेरे को बंगला का एक वर्ड यूज करने दीजिए, मैं बंगाल से आता हूँ, सांघातिक चार्ट है ये, डेंजरस चार्ट है बिल्कुल, अगर पीसीआर इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं।
आपको मैं जो क्रूड पे हमारी आउटलुक दूंगा, हो सकता है उससे लोग हंगामा मचा दे, ट्विटर पे हमारी हजामत कर दें लोग। मुझे लगता है एक आखिरी रिबाउंड 84 तक का आ रहा है क्रूड में, और उसके बाद संभव है, जिसको हम बाद में ट्रिगर करेंगे, कि 84 से घूमने के बाद करेंटली जो लो लेवल्स है 72 के, उनको तोड़ देगा। तो क्रूड में हो सकता है 2020 में जिस तरह का कोलैप्स आया था, अनुज तब सीएनबीसी टीवी ने TV18 पर होते थे और $83 पे मैंने 25 डॉलर की फोरकास्ट की थी। अनुज की एनक थोड़ी सी सरक गई थी, और जब $25 आए तो ट्विटर पे लोगों ने ट्रोल किया, तुमको थोड़े पता था कोरोना होने वाला है भाई। मुझे पता है ना, चार्ट बता रही है कि ऑयल इतना गिरेगा, मतलब संसार में कुछ बहुत बड़ा हड़कंप हंगामा मचने की तैयारी है, और सारे ग्लोबल चार्ट बता रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के मैसिव स्वीपिंग डाउन मूव में अब एशियन पेंट्स का भाव बढ़ जाएगा, क्रूड घटने से सारे समीकरण टूट जाएंगे। तो मैं सेकंड पार्ट के क्वेश्चन के आंसर को रिजर्व रखना चाहता हूँ। हो सकता है संसार में कोई इतनी बड़ी घातक बात आ जाए, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो बायोकेमिकल वॉरफेयर हो, फिजिकल वॉरफेयर हो, मुझे नहीं पता। क्रूड की चार्ट चीख रही है कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और शॉर्ट टर्म कोरिलेशंस विल ब्रेक डाउन व्हेन अ लॉन्ग टर्म केओस विल कम। तो मैं उस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर को फिलहाल रिजर्व रखना चाहता हूँ। 84 के ऊपर जाए बिना वापस 72 टूट जाए, तो क्रूड कि चार्ट की थ्योरी के हिसाब से $12 संभव है। तो संभव होगा कि नहीं होगा, वो टुकड़े टुकड़े में खेलना पड़ेगा। तो सावधान रहने की सख्त जरूरत है। मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को कल ये एडवाइस दे दी, जितने हॉलीडेज लेने हैं, जितनी अपनी वाइफ को शॉपिंग करानी है, जितने मेडिटेशन कैंप्स करने, कर लो, पता नहीं आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओके अब आते हैं एक दो और दिग्गज स्टॉक्स पे, जो हमने निफ्टी पे इंडस्ट्रीज पे आपने बात करी, पुल बैक की कहानी, और जो क्लाइंट्स को कल शॉर्ट कवर करा के लॉन्ग करवाया। सुशील जी, एक दो जो हैवी वेट्स हैं जिन्होंने पिछले लगभग 10 दिन में काफ़ी लिक्विडेशन देखा है, सेकेंड हाफ ऑफ दिस जुलाई, मतलब जो जुलाई चला गया, रिलायंस के लिए पेनफुल था। रिलायंस का करीब करीब 3250 से हमने कल डाउन टिक ऑलमोस्ट 2859 तक का देखा। रिलायंस की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको इस वक्त? देखिए, इस वक्त बाजार के अंदर मैंने जो कहा ना कि बहुत सिलेक्टिव होके काम करना है, इंडेक्स 25-500 आ जाए, हो सकता है बहुत से पोर्टफोलियो लॉस में रह जाए। तो मुझे लगता है कि अब दो हाथी जो हैं, बल्कि सारे ही हाथी, बैंकों में HDFC बैंक नए हाई पे जाए, अडानी के सारे स्टॉक्स न्यू हाई पे चले जाए, सीरियस न्यू हाई पे, और अडानी के स्टॉक्स के साथ जुगलबंदी करे रिलायंस। ये है अभी तक की हमारी शॉपिंग लिस्ट, तो हमने दबा के लिए। ये रिलायंस की चार्ट पे आप देखो, एक अगला नया हाई इसको करीब करीब 3400 के आसपास, 3400-3400 तक लेके जा सकता है। पर पूरे बाजार में मुझे सिर्फ घटोत्कच वाली उड़ान दिख रही है, ये हनुमान जी की उड़ान नहीं है। ओके ठीक है, तो यहाँ से फिर दो और पॉकेट्स, पहले तो IT और दूसरा मेटल्स। दोनों पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा मामला ग्लोबल का चल रहा है और ये दोनों सबसे ज़्यादा ग्लोबल सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं। इनमें कोई पिक्स होंगी आपकी, IT या फिर मेटल्स में लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड? माफ कीजिएगा अनुज, स्टॉक मार्केट जो है ना, संसार का सबसे कठिन बिजनेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुनाफा, सबसे बड़ा पैसा यहाँ बन सकता है। बेस्ट ऑफ द टैलेंट सारे संसार का हर क्षेत्र से निकल के यहाँ आ जाता है। तो यहाँ इंटेलिजेंट होना मिनिमम क्राइटेरिया है। सारे इंटेलिजेंट लोगों की लड़ाई के बाद, सारे इंटेलिजेंट लोगों के संघर्ष के बाद, उसके बाद का मक्खन जो निकलेगा वो काम का है। तो जब IT स्टॉक्स में बिग स्क्रीनिंग बाई आया और हम उस ट्रेन में चढ़ते चले गए, एक भी डिस्क्रिप्टिव पैरामीटर IT के फेवर में नहीं था, और अब वो फेवरेबल कुछ बातें हो रही, बस सारी IT की चार्ट्स पूरी हो चुकी है, कुछ में एग्जिट बन गए, जैसे इंफोसिस में तो शॉर्ट सेल भी आ गया। एक एक करके हम IT के सारे स्टॉक्स से अब एग्जिट लेते चले जा रहे हैं, करीब करीब ले लिया है, और खाली एक स्पॉट और बचा है ना, जो FMCG के स्टॉक्स है उनमें अगले 10-15 दिन जो फाइनल और उछाल आना है उसमें हम निकल लेंगे। मेटल्स में एक तगड़ा रिबाउंड बन रहा है, कॉपर के भाव से 24% गिर गया, जब हमने कॉपर पे बिग स्क्रीनिंग सेल निकाला था, बहुत पिटाई ट्विटर पे हुई थी और कन्विक्शन और बढ़ गया। अब सारे चुप हैं ट्विटर पे, वो भी एक इंडिकेटर है। कॉपर में एक बहुत बड़ा शॉर्ट स्क्वीज रैली आ रहा है, कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स में मुझे 12-15-17% तक की रिबाउंड दिखती है। हमारे क्लाइंट सब लॉन्ग है हिंदुस्तान कॉपर में, और एक रिबाउंड, ट्रेडिंग रिबाउंड बनता है मेटल के स्टॉक्स में, कुछ मुझे न्यू हाईज आते नहीं दिखते। न्यू हाई ऐसे नहीं देखते, न्यू हाई कहां पर आएंगे फिर आपके हिसाब से? अडानी अंबानी मीडिया के स्टॉक्स, हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कमाल कर दे, उसका स्टॉक प्राइस हो सकता है जी भी कर दे, PVR भी कर दे। PVR न्यू हाई तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1700-1800 तक संभव है वो, उसकी
नेगेटिव बैलेंस शीट तो 10 साल से 5 साल से लोग देख रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट नहीं देती है, फिर भी गया था ना पिछली बार भी 1800-1900 का भाव, हो सकता है इस बार 2100-2200 भी हो जाए। फिलहाल के लिए एक बार हम 1700-1700 की चाल जोड़ते हैं। तो मुझे आपके ग्रुप के दोनों स्टॉक्स में बड़ा धमाल होते दिखता है चार्ट के हिसाब से। जी को भी जो सारी दुनिया ने राइट ऑफ कर दिया, वो बहुत बड़ा बाउंस बैक आ सकता है, डबल भी हो जाएगा तो किसी टाइम अचानक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा मीडिया सेक्टर एक ऐसा है जिसको अभी हम यहाँ से साथ लेके चल सकते हैं। पर कमाल की बात है अनुज, केमिकल्स में सारे संसार में नेगेटिविटी थी, हमने चार्ट्स के दम पर बेफाम उनमें तेजी की, एक एक करके अब सबके रिजल्ट सुधरते जा रहे हैं। हमारा 6 महीने का जो केमिकल्स का व्यू था उसमें से 2 गुजरे हैं, 4 महीने अभी भी बाकी है। जीएनएफसी यहाँ से 50% ऊपर अगर बढ़ जाएगा या बाकी के केमिकल स्टॉक्स में, मतलब इन्वेस्टमेंट थीम पर अभी भी 4-5 महीने के व्यू पर हम केमिकल्स के 100 शेयर बेचेंगे नहीं, एवरी डिप पे लेते जाएंगे। अच्छा, सुशील जी ने यहाँ पे बातों बातों में ही एक जिक्र कर दिया कि जिस कंपनी में अनुज कार्यरत हैं या मैं कार्यरत हूँ, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज़ ये सुशील जी की राय थी, उस स्टॉक पर प्लीज़ एक कोई भी जब आप व्यू लें इन्वेस्टमेंट कॉल, निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें। अच्छा सुशील जी, अगर आप पिछले 3 आई थिंक इवेंट्स को देखें, एक दिन जब इलेक्शन रिजल्ट आया, जब बाजार क्रैक हुआ, उसके बाद बजट का दिन और एक कल तीसरा दिन था, इन तीनों इंस्टेंसेस पे एक चीज़ हुई, बाजार ने अपनी गियर शिफ्ट किया और तुरंत FMCG पे चला गया। अब उस दौर में हमने ITC को चलते हुए देखा, टाटा कंज्यूमर को, डाबर को, मेरिको को, मेरिको के साथ आज दूसरा इशू है। क्या इतने बड़े मूव के बाद जो FMCG ने जनरेट किया, अभी भी ये मूव परसिस्ट करेगा या फिर अब ग्रेजुअली अपने पोजिशन को एग्जिट करना चाहिए? एक आखिरी बार इस चार्ट को दिखाए, मैं आपको जुबिलेंट के उदाहरण से एक बात कहता हूं। हम अक्सर जुबिलेंट की बातें 400-450 तक किया करते थे, इसकी 600 की चाल आनी है, चाल आ गई, सामने चार्ट को देखिए एक उदाहरण के तौर पे, और अब इसका मोमेंटम लैग कर रहा है। मोमेंटम बाजार की रानी है अगर भाव राजा है, राजा मोमेंटम के बिना, अपनी रानी के बिना ज्यादा दूर जा नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है इन स्टॉक्स में, ये जुबिलेंट फूडवर्क्स हो, मैरिको हो, हिंदुस्तान लीवर हो, हिंदुस्तान लीवर में हो सकता है 6-8% की और जगह, ITC हो सकता है टॉप बना चुका है। तो इस भय के वातावरण में, इस जोन में FMCG वाज अ ह्यूज थंपिंग बाय। अब जब FMCG सबके लिए नो ब्रेनर हो गया है, तो ब्रेनी आदमी के लिए जहां भीड़ मचने लगी है वहां से उठो, दूसरी जगह पैसा लगाओ। तो हम तो FMCG में सिर्फ एग्जिट्स की प्लानिंग कर रहे हैं, हमने 100 शेयर FMCG के नए लेने नहीं। पिज्जा बहुत बढ़िया बन चुकी है 450 की 600, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, इसको ज्यादा देर ओवन में रखोगे जल जाएगी, इसको खाओ पियो खत्म करो। ओके, तो ये है FMCG की बात। जुबिलेंट पे बात मेरी कई बार हुई है। इस बीच निफ्टी लेके आई एक बार करीब करीब 24,240, तो वो 24,300-350 की ट्रैजेक्टरी को फाइनली एज ऑफ नाउ नहीं पार कर पाया। एक बार बैंक निफ्टी भी स्क्रीन पे लेके आइएगा, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, करीब करीब 50-150 से रिट्रेस हो गया और निफ्टी IT भी अब कूल ऑफ होता हुआ, निफ्टी IT 39,400 से सीधे 39,114, सब्सटेंशियल यहाँ पे अगर आप देखें डिप था। अच्छा सुशील जी, दो स्टॉक्स पे और रह चाहूँगा आपकी, ये LIC हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स, ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आई थिंक पूरा CY24 का जो फर्स्ट हाफ था वो इन्जॉय किया, बट अब बुरी तरीके से क्रैक हो रहे हैं। आपका व्यू उन दोनों स्टॉक्स पे क्या है? देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस की चार्ट आपको स्क्रीन पे देख लीजिए, हमने लगातार नीचे के भाव से लगातार तेजी की और यहाँ हमने पहले ही मार्किंग कर दी थी क्या टॉप बन चुका है, और LIC हाउसिंग फाइनेंस अब 480 रुपये आएगा तो लेंगे। एक बार एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, थोड़ा रिबाउंड आ सकता है, एक साइक्लिकल टॉप बन चुका है। और कैनफिन होम्स पे हमने कभी ज्यादा काम नहीं किया, पर फिर भी मैं आपके सामने इसकी चार्ट अभी के अभी देख लेता हूँ। हो सकता है कैनफिन होम्स में एक लास्ट आखिरी न्यू हाई की जगह अभी भी बची हो, आ सकता है। और ये अगर ट्रेडिंग का कोई बाई कॉल ले तो उसके लिए बिगर पॉइंट है कि इस ट्रेंड लाइन के, येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए, 850 के ऊपर है तो कैनफिन होम्स में एक आखिरी न्यू हाई की कोशिश की जा सकती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो खाली रिबाउंड है, हर रिबाउंड में उसको बेचो, शॉर्ट करो। ओके चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ बात करके मजा आया, हर बार आता है लेकिन आज थोड़ा आप ज्यादा मूड में थे और ज्यादा मजा। आप अच्छी छुट्टी लेके जब आते हो ना, मार्केट का भी मूड अच्छा हो जाता है, हमारा भी हो जाता है, बार बार छुट्टी लिया करो। इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती, लेकिन खैर बार बार छुट्टी मैं ले भी नहीं सकता, आपको पता है।
एनीवे थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आप एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटते हैं, क्योंकि मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है, हायर लेवल पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी है, लेकिन आईटी आज मार्केट को संभाले हुआ है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। नीरज जी आ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।